बड़ी स्क्रैमजेट। अबे मेरा स्कूटर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, अबे कितनी सिक्योरिटी है इस कैसीनो के अंदर। मेरा दिमाग चकरा चुका है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। पूरी कितनी सारी प्रेपरेशन मुझे करनी पड़ रही है कैसीनो लूटने के लिए भाई। इससे अच्छा तो मैं यार मंगलू की दुकान लूट लूँ, कसम से संजय की दुकान लूट लूँ। यार कितना सारा नुकसान, मेरा पैसा जा रहा है पानी की तरह, पैसा बहा रहा हूँ। स्टिकी बॉम्ब्स गए, ये प्लेन एक और प्लेन गया, धुएं पहले ही निकलने वाले। राठौर साहब इसके अंदर से ऑलरेडी धुएं निकल रहे हैं। हमारे टीम के बंदे यार पहले प्लेन को गोलियां मारते हैं फिर प्लेन के अंदर बैठते हैं, एकदम खच्चर लोग हैं यार हमारे बंदे। तो हमें गाइस रॉकस्टार प्लाजा के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉई के साथ मिलना है जो पहले कैसीनो के अंदर काम करता था। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसीनो के सिक्योरिटी कैमरास कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, ताकि लूटते समय हम उन सिक्योरिटी कैमरास से बच के हम अपनी हाइस्ट या अपनी रॉबरी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेन के ऊपर बम फेंको। चिट्ठी गाड़ी क्यों लेते हो यार आप लोग, मेरी चिट्ठी गाड़ी से सख्त नफरत है यार, GTA 5 की यार। इतनी सारी गाड़ियां ब्रो, कोई फरारी लूट लो, अपनी गाड़ी मंगवा लो, मैकेनिक को फोन करके अपनी गाड़ी मंगवा लो, लेकिन नहीं हम चिट्ठी गाड़ी लूटेंगे। मुझे कसम से कभी कभी लगता है कि हमारी टीम के बंदे ही हमारे खिलाफ है। तो लीजिए गाइस यहां पर मुझे सिक्योरिटी वाले बंदे से मिलना है। वेट अ मिनट, इसको तो मैं जानता हूँ ब्रो, इसको तो हमने काम से निकाल दिया था ब्रो। आई एम सो सॉरी यार, शिट ब्रो यार, सॉरी यार। तो ये बंदा गाइस हमें लास्ट वाली मिशन के अंदर, लास्ट वाली हाइस्ट के अंदर जब हमारे कैसीनो के ऊपर हमला हो रहा था, तो हमने इसको उस दौरान हमने इसको काम से निकाल दिया था। लेकिन अभी हमारे भाई तू कैसा जिंदा, ये कौन है, टांग टूट गई, एम्बुलेंस बुलाओ। I can't lose this job. लेकिन okay okay I'm going. अब ये भी हमें मिशन दे रहा है। पहले लेस्टर के साथ जो मिशन कर रहे हैं वो कम थे, अबे यार मिशन के अंदर एक और मिशन आ चुका है गाइस, एक और पहेली। तो ये बम्बलबी वाली गाड़ी में कोई बंदा आया अचानक से और हमारे बंदे की टांग तोड़ के भाग गया। लेस्टर चीके मार रहा है, लेस्टर कह रहा है गाड़ी को छोड़ पहले से इन्फॉर्मेशन ले, दफा हो भाई उसकी टांग। बंदा उसकी टांग तोड़ के भाग गया, लेस्टर को मिशन की पड़ी है। व्हाट द हेल, ये जमाना आ चुका लॉस सैंटोस के अंदर, कहाँ गया वो चौधरी इंसान। हमारे बंदे की टांग तोड़ेगा तू, सबर कर तेरे पीछे आ रहे चिट्टी गाड़ी वाले बंदे। अब मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि हम चिट्टी गाड़ी चला रहे हैं भाई, चिट्टी गाड़ी वाले बंदे हम खुद ही हो चुके हैं GTA 5 के अंदर। डैम ये था रबर, रुक तेरी गाड़ी का टायर पंचर करके मैं चोर बाजार में बेचता हूँ, बहुत टायर घसीट रहा ना वहाँ पे, रुक तेरी मैं सबर कर, तू हमारे बंदे मारेगा, तू हमारे बंदे को मारेगा, हम तीन बंदे तेरे पीछे आ रहे, तेरे बच के लाल बत्ती क्रॉस कर रहा। सबसे पहले इसके ऊपर 20 रुपए का चालान काटो, लाइसेंस निकाल चल। ओके ये तो कुछ और कुछ निकालने के काबिल ही नहीं लगा। वैसे गाड़ी इसकी बहुत मस्त है ब्रो, क्या बात, एसी की गाड़ी लेके ये क्या बोल रहा है, नाउ रिटर्न टू हिम क्विक। तो ब्रो चल कोई बात नहीं, अभी तक स्कूटर ही लेके जा रहा है ये स्कूटर भाई। हाँ मेरे को पता है कि ये स्कूटर तेरे को मतलब वसीयत में मिला था, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर एक मिशन में स्कूटर लेके आ। ओह मैन, वैसे इसको स्कूटर है बहुत पावरफुल कहना पड़ेगा। तो लीजिए गाइस मिशन के अंदर जो मिशन हमें मिला था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया ब्रो। सिक्योर मर जा साले, हट जा सामने से मेरे, ए ले टांग कैसे तेरी, ठीक है ना। तो ये आज से ये पीली वाली गाड़ी तेरा गिफ्ट हो चुकी है, चले चुप कर। अब मेरे को बता कि कैसीनो के अंदर जो कैमरास लगे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, मुझे फटाफट उनकी लोकेशन दे क्योंकि मेरे को बहुत काम करने हैं भाई, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। नॉर्मली ए थैंक यू, USB स्टिक दे रहा है, 15 GB की है ना। हाँ मैं पैसे नहीं दूंगा इसके, और अगर तेरे को लगता है कि मैं USB तेरे को वापस दूंगा काम होने के बाद, भूल जा। 15 गाड़ी लेके भाग गया, वैसे डील अच्छी है, 15 GB की USB दे के वो लेके गाड़ी लेके भाग गया। आई थिंक ये जो गाड़ी थी किसी ने इसकी सिक्योरिटी जॉब में से चोरी कर ली होगी और हमने वापस इसको गाड़ी लौटा दी। एनीवेज तो हमारा ये सिक्योरिटी गार्ड वाला मिशन ये भी कंप्लीट होता है। तो अभी मैं काम करता हूँ, मुझे फटाफट से एक काम कर, मुझे अपना स्कूटर दे दे प्लीज़ प्लीज़, मुझे अपना स्कूटर दे दे, लिफ्ट दे दे, स्कूटर नहीं देना तो लिफ्ट दे दे। फिर से चिट्ठी गाड़ी मैंने मार दी। क्या बात है यार, आज तो चिट्ठी गाड़ी वालों को एकदम से शामत सी आ चुकी है GTA 5 के अंदर। चलिए गाइस हमने सिक्योरिटी कैमरेज की इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग चुकी है, बिल्कुल 15 GB वाला USB स्टिक हमारे पास आ चुका है। अरे हमारे ऊपर से निकल गया भाई, बहुत तेज है यार ये तो। तो बिल्कुल 15 GB वाली USB स्टिक हमारे पास आ चुकी है। हाइस के बाद ये USB स्टिक कसम से मैंने अपनी जेब में डाल देनी है। इसके अंदर मैं हिमेश रेशमिया के गाने इंस्टॉल करके वो नाक बनकर गाता है ना, आशिक बनाया
तो ये वाले गाने इंस्टॉल करके मैं आराम से बाइक के ऊपर इंस्टॉल करके छत के ऊपर पानी की बोतल के साथ अपनी लाइफ को मैं एंजॉय करूंगा। कितनी खतरनाक प्लानिंग मैंने बना के रखी है 15 GB की स्टिक के साथ। तो चलिए गाइस, ये मिशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन मुझे अभी एक और मिशन करना, और अब मैं भी अपनी ये अप्रेसर मंगाता हूँ, दातल जी की वाली बाइक। ये बहुत अपनी बाइक ऊपर नीचे कर रहे हैं भाई। मेरे पास भी स्कूटर है, मेरे को भी मिला था अपनी वसीयत के अंदर, मेरे पास भी स्कूटर है। तो काम करते हैं, फटाफट से मैं अपना ये गैरेज खोल के अंदर जाता हूँ और मुझे चेक करना है कि मुझे अभी कौन सा मिशन करना चाहिए। मुझे अभी तक गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। ओके, नाउ वी नीड टू रॉब पावर ड्रिल्स। तो ये रहा मेरा खतरनाक वाला स्कूटर भाई। हमारे पास भी स्कूटर है, बिल्कुल मिलिट्री वाली लिवरी इसके ऊपर मैंने लगा कर रखी है। मजा ले, कोई मिलिट्री वाला बंदा इसके साथ पंगा ले ले भाई, मजा ले, कोई बंदा इसके साथ पंगा ले ले, जो भी पंगा लेगा मरेगा, ये एकदम से मरेगा, मरने वाले काम कर रहा है ये। ओके, तो चलिए गाइस, अभी जो है जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल हमारा क्लियर हो चुका है। हमें एक ड्रिल मशीन चोरी करनी है, और वो ड्रिल मशीन गाइस छोटी मोटी ड्रिल मशीन है, और वो हमें कैसीनो के अंदर जो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस जहाँ पे अपने लोग जो चीज़ें वगैरह रखते हैं, वो खोलने के शायद हमारे काम आ सकती है। तो ये ड्रिल भी हमें किसी भी हालत में यहाँ वहाँ से चोरी करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली ये ड्रिल मशीन हमें कहीं से चोरी करनी है। और चोरी करने का दूसरा मकसद ये है कि जब पुलिस हमें बाय चांस ट्रैक करेगी, तो ये ड्रिल मशीन से जो ट्रैकिंग होगी, तो वो वापस उस कंपनी के पास जाएगी जहाँ से हमने चोरी किया, तो नथिंग विल कम बैक टू अस। तो वी नीड टू डू दिस क्लीन। तो अभी तक हमारे जो गाड़ियाँ चोरी की हैं वो हमारी नहीं है, हमने बंदूकें जो चोरी की हैं वो हमारी नहीं है, हमने जो सिक्योरिटी कीज कार्ड, जो हमने प्लेन, जो हमने वेपन्स, जो हमने ड्रिल, जो चीज़ भी यूनिफॉर्म तक भी जो हमने चोरी की है वो हमारी नहीं है। तो अभी तक पुलिस को कोई भी शक नहीं हो रहा। अगर बाई चांस वो पुलिस कोई भी चीज़ ट्रेस करते हैं, तो हमारे तक कोई भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज वो हमारे हैं ही नहीं, हमारे हैं ही नहीं। मैं तो मैं किसी और की चीज़ से चोरी करके मैं काम खराब कर रहा हूँ। तो Everything is looking good. Everything is under control. अभी हमने guys drill चोरी करनी है, जिस drill की मदद से हम vault का दरवाज़ा खोलेंगे, और ये guys मेरे को लगता है बहुत बड़ी drill होने वाली है। और बिल्कुल guys हमारे सामने एक construction company है, और इन construction company के पास हमेशा बड़ी बड़ी drills होती हैं, और उनकी van, ओए ये वाली van के अंदर मेरे को drill लग रही है। आ जाओ, हमारे बंदे कहाँ पे हैं, स्क्रैमजेट लेके आ रहे हैं भाई। छोटा सा van चोरी करनी है भाई, छोटी सी van चोरी करने के लिए हमें इतनी बड़ी स्क्रैमजेट। अबे मेरा स्कूटर, मेरा स्कूटर तोड़ दिया, चले चले, मुझे दरवाजा खोल, मेरे को ड्रिल मशीन यहाँ से लेके जानी है। मैं काम करता हूँ, मैं पूरी वैन ही लेके चला जाता हूँ, तूने मेरा स्कूटर तोड़ा, तेरी इतनी मजा, मेरा ब्रांड न्यू स्कूटर जिसके ऊपर मिलिट्री वाली लिवरी लगा कर रखी थी, वो तो स्कूटर तूने बिल्कुल तोड़ ही दिया, मैं तेरी गाड़ी तोड़ देनी है। ओए मेरा, मुझे गाड़ी लगता है तोड़नी नहीं है। ओके, मुझे, अरे ये पुलिस भी आ चुकी है। शिट मैन, ये स्कूटर ही मनुष्य है। तभी मैं हमेशा हर जगह पे अपना बजट चॉपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बजट चॉपर मेरे को कभी निराश नहीं करेगा। लीजिए, दो स्टार पुलिस आ चुकी है। अब मैं दो स्टार पुलिस ये टुच्ची सी वैन के अंदर मैं कैसे लूज करूंगा। मुझे लगता है कि अगर हमारी टीम के बंदे हमारा साथ देंगे, तो भाई हम कोई भी, और मेरे सामने से आ गए, शिट, गोली क्यों नहीं मारता। अबे कौन सी भाषा समझता है, मेरे पास मत था, अबे अब्बा जब्बा डब्बा, मतलब कि यहाँ से भाग ले। ओ भाई शुक्र है भाग गया। ओ मैं, मुझे लगता था कि मेरे पास पुलिस, अबे उसको पकड़ो। ओ तेरी शिट, ओके मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पीछे आपने नहीं पड़ना। ओ भाई मेरे बिल्कुल आसपास, ए कैसे लहरा, ओए शिट नाउ, कैसे लहरा के चल रहा पुलिस वाला, जैसे कि रोड चाचा की उसकी। ओके, तो बहुत बड़ी मुसीबत मेरे पास आने वाली थी। लेकिन मैं बाल बाल बच गया गाइस। हमारे टीम के मेंबर ने तो यार एंड मौके पे अच्छा हुआ अपनी गाड़ी मोड़ ली। मुझे कसम से लगता था कि वो मेरे पास आएगा, और इसके पीछे जितनी पुलिस पड़ी वो सारी मेरे पास आके मेरे को फिर से कोपचे में ले लेगी। लेकिन हम बच गए, बच गए। अगर चलिए गाइस, मुझे लग रहा है कि ये मिशन हम कंप्लीट कर लेंगे अभी, सिर्फ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये मिशन, इस मिशन के अंदर मुझे लग रहा है कि गाइस बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लाइक अमेजिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस मेरे को पागल की तरह ढूंढ रही है, और मेरे को ही नहीं अपनी टीम के बंदों को ही ढूंढ रही है। तो जब तक हम आर्केड में नहीं पहुंचते, मुझे तसल्ली नहीं होगी कि ये मिशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। हट जाओ सामने से मेरी गाड़ी, तेरी मिलिट्री वाली वैन, मेरी गाड़ी में ब्रेकें नहीं है, हट जाओ, मेरी गाड़ी के ऊपर कॉपा लिखा है,
और दूसरी बात, मेरी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी ड्रिल है, मैंने सारी गाड़ियों के इंजन खोल के भाग जाऊंगा। मैं तो जानते नहीं तुम मेरे को, और जो शिट सारी लाल बत्तियां ग्रीन बत्तियां सारी मैंने तोड़ दी। कोई जो रोड के जो रूल्स होते हैं, जो लाल बत्तियां लगी होती हैं, जो रोड के साइंस होते हैं, कोई रिस्पेक्ट मेरे को है ही नहीं। अरे हट जा शिट। इतनी जोर से टक्कर मारी, मेरे पीछे के टायर ही ऊपर हो गए। ओके तो चलिए, आई थिंक वी डिड इट, वी कम्प्लीटेड अ मिशन। तो हमारे बिल्कुल इसी रोड के एंड के ऊपर आर्केड आने वाला है। मैं अपने मैकेनिक को फ़ोन करके एक मस्त वाली दफा करो। ये मैकेनिक हमेशा भंगी कहीं सोया होगा। ये रे हमारे टीम के बंदे, ओ पागलो मैं मरने वाला था तुम्हारी वजह से, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हारी वजह से ही बचा हुआ हूँ आज। चलिए कोई बात नहीं, राठौर साहब कैसे हो। तो हमारा एक और मिशन जहाँ पे हमने ड्रिल मशीन कलेक्ट करनी थी, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाइस, एवरीथिंग इज लुकिंग अंडर कंट्रोल, हाइस्ट प्रेपरेशन कंप्लीट। क्या बात है, क्या बात है। अबे तो किसको निशाने मार रहा है, दीवार को निशाने मार रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपना ये हाइस्ट वाला बोर्ड दिखा देता हूँ। वी आर डूइंग सो वेल, तकरीबन हमने सारे मिशन कर लिए हैं। हमारी जो मेन हाइस्ट है बहुत गरीब है भाई, बहुत ज़्यादा गरीब है हमारी मेन हाइस्ट। हे वेयर अ मिनट, होल्ड ऑन, मैं ये मिशन भी कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा मिशन है, मैं फटाफट इसको कम्प्लीट करता हूँ। अब इस मिशन में ये करना है गाइस कि ऑब्वियसली जब मैं कैसीनो हाइस्ट करूँगा, जब मैं कैसीनो के अंदर जाऊँगा, तो मेरे पास जो कपड़े तो हैं नहीं। ओके तो यार ये मेरे को चाहिए, मेरे को कपड़े भी चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे कैसीनो के अंदर एक हुलिया बदल के। और हमारा, अरे राठौर भाई, जहाज के अंदर बैठना, जहाज के नीचे नहीं बैठना होता। ये सभी तक स्क्रैम जो दीवार के अंदर ठोक देगा यार। ओके तो मैं ये कह रहा था कि हमें जब कैसीनो के अंदर जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक बिल्डर बन के जाना है। और मेरे पास तो, मैंने अभी दिमाग में मेरे ख्याल आया कि मेरे पास बिल्डर के कपड़े तो एकदम से है ही नहीं, तो मुझे सबसे पहले बिल्डरों के कपड़े भी चोरी करने पड़ेंगे। शेट मैन, तो लीजिए हमारे छोटा सा मिशन एक और आ चुका है। तो मिशन ये है, गो टू द वेस्ट माइनर ड्राइव, वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी और वहाँ पे मेरे को बिल्डिंग वाले कपड़े चोरी करके लेके आने हैं। ओके तो ये छोटा सा मिशन है गाइस, हमें 2 सेकंड लगेंगे, हमारे जांबाज टीम को सिर्फ 2 सेकंड लगे। अरे कहीं जाने की तैयारी हो रही है। ओहो हो, अरे ये कितना बड़ा घर बना के रखा है, मेरे को लगता है ये खून पसीने की कमाई, मजदूरों का खून पसीना चूस चूस के इसने इतना बड़ा घर बना के रखा है। ओहो तैयारी बंदों को लूटने की। राठौर भाई, ओ भाई को राठौर भाई, तुम बस भाग लो। अरे राठौर भाई आ गए, भाग लो, तुम सारे मर जाओगे, बेकसूर बंदे मर जाओगे। ओ शिट राठौर भाई, आप मत जाया करो यार, ये बंदा डर के भाग करके सदमा पहुंचा लाल कपड़े वाला। अरे भागो, शिट यार, अरे बाप रे, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। राठौर साहब जा चुके तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी का नजारा लेता हूँ, हमारी सिटी कितनी मस्त वाली है यार। जैसे राठौर भाई नीचे गए एकदम से शांति हो गई। तो लीजिएगा इस राठौर भाई कलेक्टेड द बर्गर, द बुक स्टार, द बुक स्टार मैन। और हमें इस, ओए मैं फालतू में धमाके कर रहा हूँ यार। ओके तो मुझे बैकअप देना राठौर भाई को, वैसे राठौर भाई को कोई भी बैकअप की जरूरत है ही नहीं, वो अकेले, उनकी फौज वो अकेले। ये बंदा अभी तक भाग रहा है, कह रहा है मेरे को सदमा पहुंचा है, मेरे को अस्पताल लेके जाओ पुलिस को, इसको मैंने बम से मार दिया। शिट मैन, अरे वो आने वाले 1500 साल तक याद रखेगा कि इस दिन राठौर भाई ने ये किया था उसके साथ। एनीवेज तो चलिए, आई थिंक ये वाला मिशन भी छोटा सा मिशन है, हमें कंप्लीट कर दिया। हमारे पीछे ना कोई पुलिस पड़ी है, ना कोई गैंग के बंदे आए हैं, और ठीक हमारे सामने इसी रोड के एंड के ऊपर हमारा आर्केड भी आ जाएगा, और ये मिशन यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन ये मैं वीडियो ख़त्म नहीं करूँगा जब तक हमारा राठौर भाई हमारी वैन डिलीवर नहीं करते। मैं ऐसे वैसे बम मार के इनको डराने की कोशिश करता हूँ। अबे कितना बड़ा ट्रक रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है भाई, तू सबर कर, तेरा नंबर प्लेट मैंने याद कर लिया, तेरे को मैं राग के लिए पढ़ता हूँ। तू भी गया, तेरे नाम पर कोई जायदाद है तो अपनी बीवी बच्चों का नाम कर दे, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है आज। ओके और मैं कितनी नीचे जहाज चला रहा हूँ भाई, आई रियली लाइक, मुझे जहाज नीचे चलाना बहुत पसंद है, आई लव इट मैन, आई लव इट। चलो राठौर भाई गैस दो यार, जरा रेस दो गाड़ी के अंदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, हमें फटाफट यहाँ पे पहुँचना। अरे उई बच गया, मुझे लग रहा है मेरा जहाज क्रैश होगा। अरे मैं लाल बत्ती के नीचे से जहाज लेके जा रहा हूँ, डैम यार शिट, ए हमारी वैन दी, ओए ये स्क्रैमजेट वाला बहुत खतरनाक बंदा है यार, वो ठोक रहे अंदर, फ्री का जहाज है ना, ठोक रहे अंदर। अभी तक ठुक रहा, पता नहीं कहाँ पे। वैसे स्क्रैम चैट गाड़ी ही ऐसी, ओए भाई बस कर ले भाई, मेरे पास, ओ नीचे आ जा भाई, पागल टीम है हमारी एकदम से। तो चलिए गाइस, ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला मिशन और भी खूंखार जांबाजी वाला होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपने मिस नहीं करना किसी भी हालत में।
So that is all I got for this video. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Till then, take care, everyone, and bye bye.